हेलो गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। इंडियन रेलवे ट्रैक पिछले चार सालों में रेल पटरियों पर 56,271 लोगों की मौत। चलिए जानते हैं मामला क्या है, इसके ऊपर नजर डालेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश में रेल की पटरियों पर वर्ष 2016 से 2019 के बीच कुल 56,271 लोगों की मौत हुई है, जबकि चार साल की इस अवधि में 5,938 लोग पटरियों पर घायल हो चुके हैं। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत ये जानकारी हासिल हुई है। इससे जब आरटीआई से पूछा गया, हालांकि उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, और उस दौरान ही ये भी सब चीज़ें बोली गई कि ये लोग किस तरीके से पटरियों पर आए और इस तरीके से कैसे उनकी मौत हुई। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गोड ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने रेलवे बोर्ड से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली है कि रेल पटरियों पर वर्ष 2016 में 14,032, 2017 में 12,838, 2018 में 14,197 और 2019 में 15,204 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों की विशेष से पता चला है कि पिछले साल 2019 में औसतन आधार पर हर दिन करीब 42 लोगों ने रेल पटरी पर दम तोड़ा है। आई होप गाइस आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे की और भी अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।